हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं, आइए चलते हैं सीखते हैं। ये कंप्लेन में खासतौर पर सी बॉक्स पर करेंगे और इसमें हम सबसे पहले मैं ये आपको बता देना चाहूंगा, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, महिलाएं हैं जिनके अगेंस्ट सेक्सुअल हेरासमेंट होता है, वो कैसे अपना केस फाइल करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको सी बॉक्स करना पड़ेगा, सी बॉक्स कंप्लेन फाइल मतलब टाइप करना पड़ेगा। ये आपकी फाइल खुल गई। इसके ये फाइल खुलने के बाद में आपको क्या करना होगा, रजिस्टर योर कंप्लेन अगेन। हमने अभी क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का कर रहे थे, तो मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कर रहे थे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का चेक करेंगे। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का खुल गया, ऑनलाइन कंप्लेन फॉर्म हो गया। फॉर्म सेम ही होता है लगभग में, नेम ऑफ कंप्लेनेंट डिजाइनेशन, एक बार अच्छे से देख लीजिए, नेम ऑफ कंप्लेनेंट डिजाइनेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अच्छे से डालें, आधार नंबर डालें। इसमें डालना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, मतलब या मिनिस्ट्री या जिस सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इसमें कौन सी मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के या किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो भी हैं उसमें डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल दीजिए। नेम्स ऑफ एक्यूज रिस्पोंडेंट यहाँ पे डालेंगे, डिपार्टमेंट एंड डिजाइनेशन, कौन सी डिपार्टमेंट में उनका डिजाइनेशन क्या है, ठीक है, रिस्पोंडेंट का या एक्यूज है। वर्किंग रिलेशन विद एक्यूज रिस्पोंडेंट, सेम चीज डालेंगे जो पहले वाले में डाले थे। फिर इसमें भी पूछ रहा है ICC मतलब रजिस्टर्ड, मतलब इसमें ही ऐसे या नो कर सकते हैं। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में भी आप अच्छे से लिख दें। इंटर योर टैक्स, मतलब कहने का मतलब ये हो गया इसमें आप कैप्चा या जो यहाँ पे एंटर करना होगा जहाँ पे आप ये देख रहे हैं, उसके बाद इसको भी सबमिट कर दीजिए। इसमें कुछ खास नहीं है, देखो जो कंप्लेन करने की जो प्रोसेस है वो सारे सेम है, ठीक है, तो इसमें उस नहीं है, टैग करने के भी सेम ही है, तो आप बस केवल फॉर्म जो होता है वो अलग अलग होता है, सारे प्रोसेस एक है, चेक करने के प्रोसेस एक है। स्टेटस जानने का क्या नाम है, फॉर्म होता है वो अलग अलग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है और प्राइवेट सेक्टर का अलग फॉर्म होता है जो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको भरने होते हैं। और ये फॉर्म भरने के बाद में आप अपना स्टेटस, जो केस का स्टेटस होता है वो कैसे देख सकते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जय हिंद दोस्तों।